गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन और फिटर तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय में हम रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सर्फेसेस सर्किल सेगमेंट सेक्टर ऑफ सर्किल इसके बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय का मतलब ये है कि हम कट आउट रेगुलर सर्फेसेज, मतलब जो रेगुलर सर्फेसेज हैं, जो नियमित आकृतियां हैं, उनसे जो कट आउट काट करके आकृतियां निकाल ली जाती हैं, जैसे कि सर्किल, सर्किल का सेगमेंट और सेक्टर ऑफ सर्किल, इनके एरिया से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो आपको पहले नंबर पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है नेमी की बुक से, आपको दिखाई दे रहा है कि दो तरह की रॉड जो है जोड़ा गया है और इसके बीच से एक जो है सर्किल काट कर निकाला गया है। उस सर्किल का डायमीटर कितना है? 21 mm है। तो आपको एरिया निकालना है। तो कोई बात नहीं है, अगर इससे हमें एक सर्किल काट कर निकाला गया है, उस सर्किल का हमें जब डायमीटर पता है, तो एरिया आराम से निकल सकता है। एरिया निकालने का फार्मूला क्या लगाएंगे आप? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर तो दिया नहीं गया है। त्रिज्या आप निकालेंगे तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको डी का आधा करना पड़ेगा, मतलब जितना भी डायमीटर है उसका आधा कर देंगे। तो 21 का आधा कितना हो जाएगा? 21/2 हो जाएगा। तो आपको अगर D का मान दिया गया है 21 mm, तो त्रिज्या जो होगी R बराबर कितना हो जाएगा? 21/2 mm। और एरिया का फार्मूला क्या होता है? A बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। और R का मान कितना? 21/2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दिया हमने, अब इसका गुणा कर लेना है। तो देखिए 22 का जब हम इससे हम कटाएंगे तो 7 × 3 = 21 और 2 × 22 कट गया। अब देखिए 11 × 33 हो जाएगा, 33 × 21 का गुणा कर देना है। तो 33 × 21 का गुणा करेंगे तो तैंतीस गुणे 21 कर लीजिए, जो भी आएगा आपका आएगा। ये ऊपर क्या बच गया है? 11 × 3 × 21 बच गया है, और नीचे में क्या बच गया है? 2 केवल। तो ये कितना हो जाएगा? 33 × 21/2। इसका मतलब 693/2 भाग देंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 1 = 13 बन जाएगा ये, 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10, 346.5। उत्तर क्या आ गया? 346.5 mm का स्क्वायर। तो ये हमारा उत्तर आ गया। पूरा जो हमने सवाल हल किया है देख लीजिए, हमने बताया ये कि आपको दो रॉड दी गई हैं, दोनों को जोड़ दिया गया है और इनका जो जोड़ है वहाँ से एक जो है 21 mm डायमीटर का सर्किल काट कर निकाल लिया गया है। तो जो सर्किल काट कर निकाला गया है उसी का एरिया पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो एरिया निकालने के लिए चाहे वो किसी रेगुलर सरफेस से कट आउट करके निकाला गया हो या वो केवल सर्किल हो, फार्मूला तो हमें सर्किल मतलब वृत्त का एरिया निकालने का जो सूत्र होता है वही लगाना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें हम सारी वैल्यू रख देंगे तो हमारा उत्तर आया है कितना? 346.5 mm का स्क्वायर, क्योंकि हमने जो भी डायमेंशन लिया था वो mm में लिया था, तो जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो mm का स्क्वायर में आएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक जो है रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट का मतलब आयताकार प्लेट है, और इस आयताकार प्लेट की सारी डायमेंशन आपको दी गई है, मतलब लेंथ दिया गया है और ब्रीथ दी गई है, मतलब लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है। तो लेंथ कितना है? 750 mm है, और इस रेक्टेंगुलर प्लेट की चौड़ाई कितनी है? 400 mm है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट से सर्किल काट कर निकाले जा रहे हैं, और जो सर्किल काट कर निकाले जा रहे हैं उनका डायमीटर कितना है? 180 mm का है। तो ये कितने सर्किल काट कर निकाले जा रहे हैं? एरिया ऑफ शीट पूछ जा रहा है कि शीट का एरिया क्या होगा, उसका चित्र बनाइए और उसको दर्शाइए। तो आपको देखना ये है कि इसमें से कितने सर्किल काट कर निकाले गए। तो 1, 2, 3, 4
चार ऊपर सर्किल काट कर निकालेंगे, चार नीचे, तो कुल मिलाकर के आठ सर्किल काटे गए हैं। तो अगर हम एक सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें आठ का गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कुल कितना क्षेत्रफल इसमें से काट कर निकाल लिया जाता है। तो देखिए कैसे हम प्रश्न को हल कराते हैं। आपको यहाँ पे आपको देखना क्या है कि आपका जो लंबाई है शीट का वो L बराबर 750 mm है और जो चौड़ाई है वो कितना है 400 mm। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई से हमें एरिया निकलता है, तो 750 गुणे 400 कर देंगे तो एरिया शीट का कितना हो जाएगा, 750 में जब हम 400 का गुणा कर देंगे तो 75 गुणा 4, देखिए 3 जीरो तो हमारे उत्तर में आएगा ही आएगा, 3 जीरो हमने लिख लिया, 75 गुणा 4 75 गुणा 150 होता है, 75 चौको 300 हो जाएगा, तो 300 तो इतना mm स्क्वायर इस पूरे रेक्टेंगुलर आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल था। इस पूरे आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 300,000 mm स्क्वायर था। लेकिन इसमें से कुछ सर्किल काट कर निकाले जा रहे हैं और सर्किल कितने, आठ काट कर निकाले जा रहे हैं, जबकि एक सर्किल का डायमीटर दिया गया है कि डायमीटर कितना है 180 mm है। तो हम सबसे पहले एक सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, पाई का मान कितना है 3.14 ले सकते हैं और 180 का 180 बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे ना, नब्बे का स्क्वायर करेंगे तो 3.14 गुणे 3600 11,304। तो एक सर्किल का क्षेत्रफल इतना हो गया 11,304, जबकि हमने इस तरह के आठ सर्किल काटे हैं, तो कुल क्षेत्रफल जो निकाल दिया गया है रेक्टेंगुलर प्लेट से, तो उसमें आठ का गुणा कर लेंगे, आठ इंटू वे, तो 11,304 mm के स्क्वायर में आठ का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया आपका 90,432 mm का स्क्वायर। तो आपको देखना ये है कि कुल जो क्षेत्रफल था रेक्टेंगुलर प्लेट का वो कितना था, 300,000 था mm स्क्वायर, उसमें से इतना क्षेत्रफल काट कर निकाल दिया गया। तो बचा जो क्षेत्रफल लग गया वो सीट का, तो 10 में से 2 घटा 8, 9 में से 3 घटा 6, 9 में से 4 घटा 5, यहाँ से 9 और 9 में से 9 घटा 0 और ये कितना हो गया 2। तो ये सीट का क्षेत्रफल हो गया 20,259,569 mm². समझ में आया होगा आपको हमने क्या किया है, देख लीजिए एक बार फिर से। ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लंबाई 750 mm है, चौड़ाई 400 mm है। तो पूरे इस रेक्टेंगुलर प्लेट का हम क्षेत्रफल निकाल लिए हैं L इंटू B करके, मतलब लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दिए हैं। तो 750 में जब 400 mm का गुणा हुआ है, 750 mm में 400 mm का गुणा, तो कितना आ गया है 300,000 mm स्क्वायर। इसका मतलब इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लेट का जिसमें से सर्किल नहीं काटा गया होता तब जो है क्षेत्रफल कितना होता, 300,000 mm स्क्वायर। लेकिन इसमें से आठ सर्किल काट कर निकाल दिया गया तो वो क्षेत्रफल तो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक सर्किल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक सर्किल का क्षेत्रफल कितना है, और ये सभी सर्किल बराबर हैं तो आठ का गुणा कर देंगे तो पूरे क्षेत्रफल हमें सर्किल जो हैं सबका क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा संयुक्त रूप से, मतलब कुल कितना सर्किल का क्षेत्रफल
काटने से निकल जा रहा है। तो एक सर्कल का क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, चूँकि डायमीटर दिया गया तो उसका आधा कर लिए, त्रिज्या पता चल गया है, पाई आर स्क्वायर में रख दिए हैं, तो पाई का मान 3.14 रख दिए हैं और आर का मान 180/2। तो 3.14 में जब 90 का स्क्वायर मतलब 36 होकर गुणा होगा तो 11304। तो एक सर्किल का क्षेत्रफल हमें पता चल गया कि 11304 है, तो सभी सर्किल का क्षेत्रफल 11304 है प्रत्येक सर्किल का। तो हाँ, लेकिन हमें 8 का निकालना है, तो इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो कुल 8 को सर्किल का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 8 का गुणा कर दिए हैं एक सर्किल के क्षेत्रफल में, तो हमें 8ों का पता चल गया, तो 90,432 mm स्क्वायर हो गया। तो पूरे 300,000 mm स्क्वायर के क्षेत्रफल में से 90,432 mm स्क्वायर काट कर निकाल लिया गया है। तो 300,000 में से 90,432 हटा देते हैं, तो 2,09,559 mm स्क्वायर क्षेत्रफल हमारा बचा रह गया। यही इस शीट का जो बचा हुआ है, जो छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है, इसमें से क्या किया गया है कि एक अल्फा एंगल पे, अल्फा जो कितना है 60 डिग्री, और तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है, तो अल्फा का मान कितना दिया है 60 डिग्री दिया गया है, और एस का मान जो थिकनेस है मोटाई वो 9.2 mm का है, और एरिया का मान पूछा जा रहा है कि एरिया क्या होगा। तो देखिए ये वाला प्रश्न कैसे लगेगा, किसी भी सेक्टर का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, सेक्टर के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सेक्टर का क्षेत्रफल मतलब ये जो कटिंग करके ये वाला पार्ट निकाल दिया गया है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है आपका 60 डिग्री है, थीटा कितना है 60 डिग्री, मतलब अल्फा का मान बटे में 360 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और आर का मान कितना हो जाएगा 9.2 mm का स्क्वायर, 9.2 mm का स्क्वायर। तो ये 36 छः बार में कट गया, ऊपर क्या हो जाएगा 22 गुड़े नीचे कितना हो जाएगा 42, और ये 9.2 का गुड़ा कर देंगे 9.2 का स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 44.33। अगला प्रश्न भी इसी तरह का प्रश्न है कि आपको एक सर्किल दिया गया है, उस सर्किल में किसी एंगल से एक सेक्टर काटकर निकाल लिया गया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको दे दिया गया है और डायमीटर भी दे दिया है सर्किल का, तो अब की बार पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना होगा, मतलब किस एंगल पे ये सेक्टर काट कर निकाल लिया गया है। मतलब आप सोचिए कि एक कोई वृत्ताकार प्लेट है, उस प्लेट में से इस तरह से एक, ये जो आप देख रहे हैं छायांकित भाग, इस तरह से काट कर निकाल लिया गया है। तो जो काट कर निकाला गया है भाग, उसका क्षेत्रफल 140 mm² है। तो पूछा जा रहा है कि ये कितने एंगल पे काट कर निकाला गया, मतलब ये कोण का जो एंगल है वो कितना होगा। तो हमें पता है कि जो एरिया का फार्मूला होता है सेक्टर का, वो थीटा बटे में 360 गुड़े पाई आर स्क्वायर होता है।
और यही मान हम एरिया के बराबर रख देंगे सेक्टर के बराबर, जिससे हमें अल्फा का मान पता चल जाएगा। तो इस प्रश्न को आप अपने से करिएगा, कल इस तरह के आपको ये प्रश्न, ये जितने भी हैं, आपको हल कराया जाएगा। तो आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।